अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा जो ट्रिप है वो सावन फकीर की तरफ है। सावन फकीर में एक शो हो रहा है जो कि गोट्स का शो है। उसमें कितनी ब्रीड्स आती हैं और कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं और ये कहाँ लोकेटेड है, तो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप कराची से आ रहे हैं बाद आपने आना है हैदराबाद से, फिर आगे मातली आता है। मातली से यहाँ 5 किलोमीटर का रास्ता है सावन फकीर का। तो ये आप देख सकते हैं पूरा परफेक्ट रोड बना हुआ है, रोड ही रोड पर है, और थोड़ा सा आगे ये सावन फकीर है। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं ये रोड है, और रोड से जैसे ही आप राइट पर उतरेंगे तो सामने गोट्स वाले ब्रीडर्स गोट्स अपनी लेकर खड़े हुए हैं, और यहाँ आपको दिखाएंगे कि कितनी ब्रीड्स हैं और कौन कौन सी ब्रीड्स हैं। क्या नदीम भाई, क्या बोला आपने? बकरियाँ तो अच्छी अच्छी हैं, प्यारी प्यारी। आपको बकरियाँ अच्छी लगती है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सावन फकीर पे। सावन फकीर कहाँ पर है और यहाँ पर किस चीज का कंपटीशन हो रहा है, तो ये गुल उन्नड़ भाई मेरे साथ मौजूद है। ये इनसे पूछते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा कंपटीशन है और यहाँ कौन कौन सी गोट की ब्रीड्स आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गुल भाई? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा गुल भाई, माशाल्लाह से पहले भी आपने बहुत अच्छी गोट ब्रीड तैयार की थी, इस बार आप कौन सी गोट ब्रीड लेकर आए हैं और ये सावन फकीर कहाँ पर है, कुछ सावन फकीर की भी हिस्ट्री बताएं, और उसके बाद अभी जो आप गोट ब्रीड लेकर आए इसकी भी हिस्ट्री बताएं। ये हम बकरी कामोरी लेके आए हैं, कामोरी बकरी लेके आए बटर गुलाम के मुकाबले में। अच्छा, कामोरी बकरियां लेकर आए हैं, किसके मुकाबले में? बटर गुलाम डायरी के मुकाबले, गुलाम और डायरी के मुकाबले। जी, ठीक है। वहाँ पे क्लाश यहाँ पे हुआ था, वहाँ पे कॉम्पिटिशन उसने नहीं किया, वो भाग गया। ठीक है, यहाँ पे आया, उसको वसीम भाई ने फोन भी की क्या वो माल लेके हम मेला करें। ठीक है, फिर वो नहीं आया, उसके मुकाबले लेके आया। ये सावन फकीर का मेला, यहाँ पे हमको दावत मिली। ठीक है, वहाँ माल लेके आया। अच्छा, सावन फकीर कहाँ पर लोकेट है और यहाँ कितनी बकरियों की नस्लें हैं, और ये मेला साल में कब होता है? ये साल में एक बार होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी बकरियों की नस्लें आई हैं? बकरियों की नस्ल तो बहुत आई हुई है भाई। अच्छा, बटेरी है, कामोरी है, टापरी है, और बहुत तरह की नस्ल। अच्छा, आप जो बकरियाँ लेकर आए हैं टोटल कितनी बकरियाँ लेकर आए हैं और इनके ओनर कौन है? 15 बकरी लेके आए हैं और 16 ब्रीडर है। ठीक है ना, ओनर है वसीम राजपूत। वसीम राजपूत भाई की बकरी है। अच्छा, वसीम राजपूत भाई की वही बकरी है जो पहले कंपटीशन में आई थी, वो कौन सा कंपटीशन था? वो तिलाशा। तिलाशा, उसमें क्या हुआ था? लेके आए थे गुलाम डायरी के मुकाबले में, वो उसने माल नहीं लड़ाया। ठीक है, वो लेके भाग गया। अच्छा, तो इस मुकाबले में गुलाम डायरी ने पार्टिसिपेट किया है, आपको चैलेंज एक्सेप्ट किया है? उसको हमने किया, वसीम भाई ने उसको कॉल भी की और वो नहीं आया माल लेके। अच्छा, वो नहीं आया? नहीं आया। तो कुछ वजूहत पता चल सकी क्यों नहीं आ सके वो? बस वो नहीं आया माल लेके आए, वजूहत को उसको पता होगा, माल नहीं लेके आया। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो कामोरी की इलीट क्लास है वो ये बकरियां खड़ी हुई हैं, और एक एक करके गुल भाई से बोलेंगे भी हमारे व्यूअर्स को बताएं बकरियों में क्या खासियत होती है, कामोरी के कुछ पॉइंट्स बताएं, और उसके बाद जो ये डेकोरेशन करते हैं या जो इनका कल्चरल ये जो डेकोरेशन है या जो पट्टे हैं गानियां, इसके बारे में पूछेंगे। ये आप देख सकते हैं जहाँ कोई बच्चों को या कोई और चीज को लोग देखने नहीं आए, या कोई झूले वगैरह नहीं लगे हुए, ये देखिए सारी की सारी आवाम आई हुई है। भाई आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बकरियों के लिए आए हो? क्यों आए हो? बकरियां देखने आए हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन इस वक्त भी ये गर्मी में ही है, बकरियां देखने हैं। अच्छा गुल भाई, आप हमें पहले तो अपना ब्रीडर दिखाएं, ब्रीडर की कुछ क्वालिटीज बताएं, फिर ब्रीडर के बाद बकरियों के बारे में बताएं। ये हमारा ब्रीडर है। ये ब्रीडर आपका? अच्छा, इसकी क्या उम्र है इस ब्रीडर की? ये अभी खीरा है। माशाल्लाह, ब्रीडर की क्लास चेक करें आप, इसके हॉर्न्स, इसका नोज, इसके ईयर्स और इसका जो कलर पैटर्न है वो आप देखें, माशाल्लाह से इसकी झालर भी बहुत जबरदस्त है, और ये इसके आप देख सकते हैं
इसका आउटलुक देखें, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ये इसकी हिस्ट्री बताएं कि ये कौन सी बकरियों में से ब्रीडर जो आपका ये डेल बकरियों में से, डेल बकरियों में से, माशाल्लाह। अब एक बकरियों के बारे में बताएं और थोड़ा सा हमारी बकरियां भी हमारे व्यूअर्स को चला के दिखाएं। इस बकरी के बारे में बताएं, सोरठ बकरी है, माशाल्लाह। ये वाली बकरी आगे लाए, 14 लाख में आई है, 14 लाख में, 14 लाख व्यूअर्स, 14 लाख रुपीज में ये खरीदी है, 14 लाख में। ये किससे खरीदी थी, 14 लाख में किससे खरीदी थी? ये उमरकोट से, सद्दाम सैतो से, सद्दाम सैतो उमरकोट से, उनसे 14 लाख की ये बकरी खरीदी है, माशाल्लाह। सर इस बकरी में क्या था जो आपने 14 लाख की परचेज की? नहीं ये इसके कान देखो, मुंह देखो, गर्दन नाक, ये कान देखो रेशम है। अच्छा रेशम है, ये रेशम है, ये इसका गला देखो माशाल्लाह, ये इसका मुंह देखो माशाल्लाह, ये इसकी लंबाई देखो जबरदस्त। ये मारो का मुंह है, बकरी का मुंह है? अच्छा ये बता रहे हैं कि ये बंदे का मुंह है या बकरी का मुंह है? अगर बंदे का होता तो ज्यादा पैसे होते या कम होते? बंदे का होता ज्यादा होते, ज्यादा होते। देखो औरत का मुंह है, बकरी का मुंह है? अच्छा, ये बड़े शौकीन है ये, जैसे सद्दाम से तो भाई जिनसे खरीदी है। और ये भाई आपका नाम, आपका नाम भाई, बकरी है या सारी? देखो एक शिकल में, सारी एक कलर में। आपका नाम बता दे हमारे व्यूअर्स को। मीर मोहम्मद ब्रह्मानी। मीर मोहम्मद ब्रह्मानी, ये लग रहा है आप सद्दाम भाई के दोस्त है, वो भी शॉप में। अच्छा ये वाली बकरी के लाए आगे, इसके बारे में बताएं, ये कितने की खरीदी आपने? 5 लाख। ये 5 लाख की खरीदी? अच्छा ये किससे खरीदी है? ये रियाज भट्टी। रियाज भट्टी, रियाज भट्टी, माशाल्लाह व्यूअर्स, ये 5 लाख की इन्होंने खरीदी है, रियाज भट्टी। अच्छा ये जो बकरा है ये कितने का खरीदा? ये था 8 लाख का। 8 लाख का, ये किससे खरीदा था आपने? ये था फोटे चांग से। फोटे चांग से, खतड़े से, छोटे कद के जो है। छोटे कद का। अच्छा सही सही, तो उन्होंने आपको 8 लाख में दे दिया? जी जी सही, माशाल्लाह। बड़े मिंटू से, बड़े मिंटू से, वरना तो वो ज्यादा मांग रहे होंगे। सही से। अच्छा ये इसके बारे में बताएं, ये बकरी अरबी है? अरबी है जी जी। ये अरबी बोल रहे हैं आप? सोरठ बोल रहे हैं? अरबी है। अच्छा ये अरबी बकरी है, ये किससे खरीदी थी? ये कुर्बान हिंगोरजा। कुर्बान हिंगोरजा, कितने की खरीदी थी है? ये दोनों 10 लाख में। दोनों 10 लाख में, दोनों बहने हैं। दोनों बहने हैं व्यूअर्स, ये दोनों बहने हैं और ये बता रहे हैं दोनों 10 लाख रुपए की ये परचेज की। इस बकरी के बारे में बताएं थोड़ा जरूर करें तो। ये अयूब निजामानी। अयूब निजामानी, ये कितने की खरीदी थी? ये 5 लाख की। 5 लाख की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस बकरी के बारे में बताएं, ये वाली जो सोरठ है, ये सोरठ है, ये किससे खरीदी थी? ये 8 लाख की। 8 लाख की, किससे खरीदी थी? ये अली रजा जखरा। अली रजा जखरा। अच्छा इस बकरी के बारे में बताएं, ये ताज खान जरदारी। ताज खान जरदारी, शकुर भाई आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। सराड़ी से, सराड़ी से, ताज खान जरदारी से, माशाल्लाह। ये कितने की खरीदी थी? ये थी 10 लाख की। 10 लाख की, माशाल्लाह। मैं क्यों, ये जरदारी भाई थे इसलिए 10 लाख की ली आप? जी सही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही, जबरदस्त। ये अली बकरी के बारे में बताएं। ये बकरी अली शेर छच्छर। अली शेर छच्छर, पौड़े छच्छर वालों में से जो है। अच्छा अच्छा, तो ये कितने की खरीदी आपने? ये 7 लाख की। 7 लाख, ये कौन सी बकरियों में से? ये पासे सड़ल। पासे सड़ल में से, सही माशाल्लाह। अच्छा एक बकरी यहाँ पर भी जो खड़ी हुई, इसके बारे में बताएं। ये अली शेर छच्छर से, ये कितने की खरीदी थी? ये 5 लाख की। ये 5 लाख की, और इस बकरी के बारे में बताएं। ये 4 लाख की, 6 लाख की, 6 लाख है। ये किससे खरीदी थी? अली रजा जकरा। ये भी अली रजा। अच्छा मीरल भाई आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि कामोरी जो बकरी है इसको क्यों बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कामो खाने की वजह से। समझते हो, ये कामड़ी औरत होती है, ये डिग्गी गिग्गी से। कामड़ी औरत होती है? हाँ, सर ज्यादा औरतों की बातें नहीं करें, मर्द और ज्यादा जमा हो जाएंगे, रश हो जाएंगे। उसको बोलता है कामड़ी। अच्छा हाँ, जो हुसन वाली होती है ना उसको क्या बोलते हैं? कामड़ी। कामड़ी, कामड़ी जो खूबसूरत होती है उसको बोलते हैं कामड़ी। कामड़ी। अच्छा, और जो खूबसूरत नहीं होती वो माड़ू है। अच्छा अच्छा सही। अच्छा तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी बकरियां चला के भी दिखाते हैं, और ये चला के थोड़ी देर आवाम को पीछे कर दे, आप इनसे चलवा के भी दिखाते हैं बकरियां। स्लो स्लो लोगों को, आराम आराम से, अरे
तो व्यूअर्स अभी डिसीजन हो रहा है शो का, और शो का क्या डिसीजन होता है आप अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सीन होता है। अंतर है बकरी लस्सी वन हूँ बकरी वारन वाले बकरी में फर्क पकोड़े खाने बकरी लस्सी वन बकरी वारन वाले बकरी से वेन है रे कोने काल खुदा कारण कभी उन बकरियां वार हेतरान वो बकरी लस्सी वन जिन समय फर्क है हां जिन समय बकरी फर्क है जिन समय ये मुराते बुझायो तो जिन समय फर्क है नहीं फर्क है जिन समय कजली हो जो मुकाबले में तो कजली जो मुकाबलो कंदा कजली तो आई कर वाला है कजली आई या एकड़ी पर उनन में भी वार वडो हो जाए सिंह वड़ सब कुछ वो ही हो जाए वो जब आए कौन वो आई के वडर को नहीं वो तो बस कोई बिना मुकाबले है यो अर्थ सही हो जिला छरे को मंसी आया हां और सामू घरदारी कोन आया अच्छा वो ही पान को आया वरी नियर घरदारी जी सरदारी में हां घरदार हो के चाहिए बिना इधर चाहिए निकलियो वरी मंसी कोन आया ते ही कोन आया ते ही न होते न चण में हु पियो छे उन जी मजबूरी फसी गयो उन जी मजबूरी पर उन पैसा के घणो छे तवा के उते उन घणो पैसे ने छियो तब फैसलो मुके तो उन का मजबूरी ने पर कोन छे अज उन के यापो कयो दबा के आऊ मैं रुका से मेलो लगो हां की सरदारी ते आयो माल फड़ण हमेशा ही असर हन मणो में कूल कोन होलो न करी कोन हन मजबूरी थे सही कसी हो बगा ले जा कजो हुजे अचे अचे आ भले वेड़ा है बकरी वेड़ी वना ना आए हिंयर पो हम आई ने चयो चयो उने जे करे ही पंजी जाए थे आजाद हाली वरी हु रुको फैसलो पर रुको मारे फैसलो है ना कोने ने फैसलो देखो ना हां फैसलो हो जाए मन से काए हो जाए ओ हो पर हम से काए जाए काला है चंग तुम चंगो है ना सुबह चलो आसी फला बहुत बार मारो फैसलो बटेर वाला ने मारो फैसलो थी गयो जी हां नवारो फैसलो चियो हिनवारी मजबूरी जाहिर थी भई हाने वरी दा चू कते कामोरिन ते कामोर जो बोलर भी आ है माने ये समझो जेड़ो हिकड़ो है हां या जी हां हिकड़ो बोलर है बे बोलर कोन है गुलाम डेरी कोन आयो है हिकड़ी चोरी में गुलामो में हन जो मुकाबलो पाण में थियो गुलाम मारे बी चोरी में गुलामो आयो सही अच्छी करे आई कोन शर्म वालो यार कदा लियो आई हाने वो अच्छी करे भी उन बच्चे जो हिकड़ो ने भी और ताल मटोड़ करे वो हम तारे भी नहीं या मुकाबले में जो कौन तो करे एक के समझो कौन मिले अजी वो बागे आयो ही कौन है हाने मीर रमान के छा कर ना खपे पाने के सब यार आए जो सब पण छा कर पटलो बधराई है सही है ना थोड़ो अर्ज कर लो की हां गड़ो अर्ज कर ना था देर या वधेरो मान न खबर हिन मानन बिनी जो उन्होंने के अचान सके या हार वार नहीं अचान हो असा या राय है या कोने तान मु फैसलो कयो थियो फैसले में एकरा बरख मानु हैं माल ब माशाल्लाह सिंध लेवल जो आए वदेरो अलन ए मीर अलिया कुल हनन जो पटको हक छोडरी उते बेड़ा है कोने आयो कोने आयो ही कोने सही तो बोल जो पटको फोन दा कयो काल को बदंदो पियो छे उते बेड़ा है कोने आयो कोनाले जो इसका को कावड़ तो भैया जे को दिस ना धनार पाण अमीर गरीब इते गरीब धास धनार जे को भजो थो वने
बकरियों भलियों वन ढिलियों वन मेले में अची आट जी वे साई जी चोड़ी में बकरियों विड़ी हुन के मारे मीर लग तो गाल कभी खुदा का उते बकरियों पर आयो हुई को तिला शाम जे मेल बकरियों आकरियों थी आयो तेरी मेल जी बकरियों पर आयो यो तो गलत यो तो गलत तो केत्रो सही गाल आयो भाई साहब तो असाया वडा आयो मोतबर आयो तो भाई साहब केत्रो गाल आयो तब हिकड़ी हुन न मने न मने वो बकरी काए रवानो थियो भजण जो न को दादा न को फिरया दा भजी यो तो छुटो न छुटो पना किरियो दे नी में का गाल आज पांजी सिंध में आज पांजी सिंध लेवल में ही मौत भर बैठा बिल्कुल आ तो चवा पियो न उन बुद्धो सही गाल हाणी 33 लाख जी एकड़ी बकरी आ सही नी गाल ते सही के नी गाल ते हेडियों बकरियों जडे हर जाए के खटनो लेवार खटनो चर अज ओए बक हुआ ताण सब कुछ है जाहिर है बक पर अन उनन बकरन के मेले जे हार असा जड पट हुआ हक हुआ दे बिनी पर हिंद सा केर बेढा है न तू ठीक है सब जो शेर से न क्यों ना उन से अब ई दफा हो पेरी दफा दी न बेढाई हियर आयो को ताले उन बिनी जो हक है योर ते को ब मेलो गुसायो कोने को भलियो वन ढेलियो वन सलाम अलैकुम दावत अती वे अती हो तो अर्ज डा है वशु गला तो यार ऐसे थोर मुडा मत को थोर अर्ज फा बाबा रे से दसो गुलाम मोहम्मद डायरी उता माल खणी यो अज कोन आयो मक्सी अज कोन आया खर्च कयो इनन हाँ जी के ना आया उनन जला छा है उनन जला उनन सा केड़ो सलूक करे खबे दारन असा जो थोरो अर्थ असा के समझ मु दिसो ए खर्च कयो पांजे दोस्त ने खर्च कयो एकन ए एकड़ा न पोता खर्च भी करायो ना आया उनन जला लाज उनन जला कुछ तो होजे सजा तो होजे कानून को असि एतजाज एतजाज ना आगे क्या नोट कराया तो माग जे दनारन जे गद चण जे धरती ता जेके नथा अचन बकरियों एक तरफ पटको जिनके मिले तो न तो उनके हकीकत में माना वो किस्सो उनके खबर पैजी वही है तो असा जी हाँ उन हिसाब से असा जो डेवल छा पटको वही गाल है बाकी वही गाल रही उनन ते ता जी गाल है ये पान इते उनन ते नथा चो को सांग पान ऑर्डर बद मिसाल बाबा आई दे अवा जो हाथ बंद जावा ते डंड ओए आन उनन के किथे गोले न उनके छरे दियो पटके जो आखरी जाए पटके आखरी दर्दारी को पटको बधो पटको बधोरे पटको दर्दारी कौन आया मजबूरी हुई मजबूरी में दर्दारी ना आया वो वठी हो बधी या ओ प्रसाद जी बने हार मिलो के नंबर ये रही ने आपको धनी दिया ने रहा हां धन आपको मुझको देना डॉक्टर रही या आज हतमी फैसलो थेनु आज आज पेरे नंबर इन के मिलन दो ठीक है या छेद क्लियर हां भले आज मिलन का प्रधान जी ने नता आज ने भले राय संगत ने असी नता लगता की गाल को भले संगत राय दे साजे ने नेता बना हल्या साजे हां उन्होंने इतला कही है इतला वो मूसा कही मून ने आपो दिनो जिते आया ने आपो दिनो ए उने का पोप हु चवन ता वरी भक्त इंदा असा गड़ा ने प्यार है यार सही एकड़ी यार हन में ड्रप कोन है बाबा पटको मिलियो खटंदा पे आजन अब जे वरी अवा जे सामू अचन तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ठीक है सही अजी गाल है नो मनी गाल मंडीरो टे मारू हर टाइम सन दे अचन का माने सुठा वहन दा भला हां भला हां आया तो माने उने मारू जोड़ो इज्जत कर वाह वाह की ही तो सही ही तो सोना सी हाय हाय ये तता पुतो ना बाबा ही आ हनन मेड़े वारन धन दे सब तवा जी ता ना एनर्जी हां वाह ओ आई सब मेलो सही सही हनन जी इज्जत आए पर हनन जी इज्जत ने को बन बकर बना ताड़ी अल्लाह जो कसम है ताड़ी आलो ताड़ी आलो मुकाबलो बकरन जा बटे वाला
दुनिया की खबर पे आता पेरू नंबर हार ये लिख चुप में कुंड में दिन लाओ घर मुनासिब है ना ना उन्हें हक का ऐलान दी करे बाबा पेरू नंबर यार आवाज था बुलंद आवाज था सही है ना उन्हीं में वेरी थोड़ी गल ठीक कानून में तो के बदरा सही में बाबा सही में भगवान जो को ये आसान से है जिन जो पेरिंग आता है अमी नहीं उन्हीं के सदर कंदे यार दीदा अच्छी बकरी है पटे पेरे यार में जड़ी के चली के लड़े ने वो हक है दियो दियो कहां के अच्छे बोला इन्हीं में जस्ट करो आए को ना शुरुआत करो हां बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह प्रॉब्लम कोई नहीं तंबू जो प्रॉब्लम हूँ बाबा कंचे जगह अल्लाह खैर करो आज तो अब तीन लगा ठीक है ठीक है ठीक है लो कम है अब भलो कम को आज शाम ले लो कम है भलो कम को आज का भलो भलो तो साहन ने तंबू के साथ आसान जो बार साहन से आयल त्यासी की धनार आसान जे तरफा आसान साइन जो शुक्रिया बिल्कुल सही हकीकत है बेहतर धन मेहरबानी करी है कहां जगह था बिल्कुल सर यो पाले हमरो मेंबर वधी था मेंबर वधियो भलो काम कर ये भलो सबै में जमा के दाबो आए बदा हमने भूगा मच्छी बाबा अब्दुल कली सही चोता वडा आयो सना अमीर सजी रात सजा गद हर बकरा वाह जा जा ऐ दादी असली इज्जत थिया सब खुश थिया माशाल्लाह बड़ी तारीफ तारीफ की सलाम है सलाम है भाई या हुई कर सच मैं भाई हो गया थी ना आगे अजी साल जिंदगी रही इंशाल्लाह साल याद करो तनारी गाल बाबा यादगिरी जेड़ो पर चार हो छाई है एकड़ो अर्जा है एकड़ो बाबा जेमा मेलो थे तेरी मल परचा जके ना परचा छपाय ना 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 नाला नाला कौन केड़े नमूने सा के नाली गाल बुझो इतराज कन पे जके करोड़ रुपया भरेल ता जके 14 लाख चालीह साल पंजा तो गिलो हाँ वो नवा बस हथ क्यों वरी गाल तो रही भी वो जो है बेवकूफ वो को वो भी हो है असि वडे रे आना ने रिचार्ज रा कयो असा भाटियो बे आ रयो आ गया अलणी जाय अल्लाह भारी ठान न तो थे अरे भाई तो सा बच्चो है अल्लाह अल्लाह भले जा बा तू कुछ बार को नहीं ऐसे में चुंडे जा रयो तो के हां सही है बाबा ये पंजो बच्चो लाल लाना ना बा बिल्कुल शौक से पंजो लाल लाना छोटेरी उते बेड़ा है कोने आयो कोने आयो ही कोने सही तो फोन जो पतो फोन का कई आयो हूं तो बदन दो पियो छे माल ब माशाल्लाह सिंध लेवल जो आए वडे रो अलन ए मीर अलिया कुल हेन जो पटको हक वरीदा चू कते कामोरिन ते कामोर जो बोलर भी आ जाए मन ये समझो जेड़ो इकड़ो है हां जी हां इकड़ो बोलर है बे बोलर कोने बोला उस डेरी कोना है
हिकड़ी चोरी में गुलाम अहमद में मुकाबलो पान में थो गुलाम अहमद मारे वो बी चोरी में गुलाम अहमद आयो सही अची कर आई को शहर मुहान यार करो हाँ वो अची कर भी उन बच्चों न पो ताल मटोड़ कर मुकाबले जो को किस्म को अज वो पाने आयो ही को हाँ मीर के खे पान के दावत खर्च न पोता खर्च भी करायो ना या उनन जेला लाजमी उनन जेला कुछ तो होजे सजा तो होजे कानून को असी एहतजाज ना आगे क्या नोट कराया तो गुलाम मोहम्मद डायरी होता माल खणी यो अज कोन आयो मक्सी अज कोन आया जी खर्च कयो इनन हाँ जी के ना आया उनन जेला छा है उनन जेला उनन सा केड़ो सुलू करे खबे असा जो जेके नफा चन बकरियो एक तरफो पटको जिन के मिले तो ना तो उनन के हकीकत में माना वो किसो उनन के खबर पईजी वई है ता असा जी हां उने हिसाब ते असा जो देवल छा सजा वो ही पटको वडी गाल है। व्यूअर्स, ये हाजी गुलाम हैदर मरी भाई हैं, इन्होंने वसीम राजपूत भाई जो कि कंपटीशन में जीते हैं उनके लिए ये सिंधी टोपी कराची से भिजवाने का फ्रांस भिजवाने का फैसला किया है। और हाजी गुलाम हैदर भाई, आप कराची से फ्रांस क्यों भिजवा रहे हैं? सही, वो हमारा दोस्त है, उसकी बकरी एक नंबर आई है तो उसको मुबारकबाद। ये कराची और सुबह सिंध से ये सिंधी टोपी जा रही है फ्रांस, वसीम राजपूत भाई को गुलाम हैदर मरी भाई प्रेजेंट कर रहे हैं। ये फ्रांस जाएगी और जो जीते हैं आज के कंपटीशन में वसीम राजपूत भाई उनको ये थैंक यू। मैं तो व्यूअर्स, आज की नुमाइश जो थी वो इख्तिताम पजीर हुई और यहाँ पर जो विनर डिक्लेयर हुए हैं वसीम राजपूत, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है, बेसिकली तो वो सुबह सिंध के हैं, कराची सिटी के हैं, लेकिन रहते फ्रांस में हैं और आज उनकी जो कामोरी बकरियाँ हैं वो डिक्लेयर हुई हैं पहली पोजिशन या मातली बोर्ड कॉम्पिटिशन 2023 में। और यहाँ पर कुछ नोटेबल्स उनके गेस्ट वगैरह आए हैं, दोस्त वगैरह आए हैं जो कि बहुत पुराने शौकीन हैं, अब उनसे पूछते हैं कि उनकी बकरियाँ कैसी लगी और उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। ये सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अब्दुल शकूर दोई भाई से, थोड़ा सा आगे ये वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बकरियाँ बाहर ममालिक भिजवाई और बाहर ममालिक के लोगों को शौक कराया, ईरान भिजवाई, सऊदीया भिजवाई, दुबई भिजवाई। शकूर भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं आज की जो कंपटीशन था वो आपने जज किया, आपने बहुत ज़्यादा ब्रीड देखी है दुबई सिंध में और बाहर भी भिजवाई हैं, तो उसके हवाले से हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करें कि आज के जो शो था उसमें सबसे अच्छी बकरियाँ किसकी लगी आपको और जो ब्रीड्स हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स। आज के शो में कामोरी नस्ल में वसीम भाई फ्रांस वाले के जो बकरी वन वन क्लास में थे, जो सिंध पाकिस्तान में जो चल रही कामोरी नस्ल में वसीम भाई की बकरी थी, वसीम और जो गुल भाई का मेहनत था। और पटेरी बकरी में वडेरा अलण हेंगोर जो उसके बकरी वन क्लास की बकरी थी, इस दोनों जो ब्रीड में कोई ऐसी बकरी नहीं थी जो इसके सामने खड़ा हो जाए। सर, ये बातें भी चल रही थी कि एक और कंपटीशन थे लेकिन वो पहुंच नहीं सके, तो उसकी भी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। वडेरा गुलामों के साथ कंपटीशन था, वो नहीं आया इधर मेले में नमाज में बकरी सामने करने के लिए, वो नहीं आया इधर, नहीं पहुंचे वो। अच्छा, आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान की और सुबह सिंध की जो बकरियां हैं वो बाहर ममालिक में पहुंची, तो क्या आप समझते हैं बाहर ममालिक में अभी तक इस लेवल की बकरियां जो अभी वसीम राजपूत भाई के पास कामोरी बकरियां असल में जो बाहर दुबई या सऊदीया में ऐसे लेवल की बकरियां हैं मौजूद या ऐसे कम है? नहीं सर जी, वो असल बाहर जाता है स्पेयर होके पाकिस्तान में जाता है, भेजता हूँ मैं स्पेयर होके। जो अच्छी बकरी होता है जो पाकिस्तान जैसे शौकीन कोई अब तक मुल्क में कोई पैदा नहीं हुआ है। अच्छा। जो हमारा काम है इराक, ईरान, दुबई, सऊदी, चार मुल्क में हमारा माल जाता है, तकरीबन वो स्पेयर बकरी जाता है। जो वन क्वालिटी बकरी है वो पाकिस्तान वाले जो खरीदते नहीं देता है आगे दूसरे मुल्क में, जो एक्सपायर होके वो बकरी वही जाता है। अच्छा, यानी बाहर ममालिक आप वही बकरी बेचते हैं जो एक्सपायर हो जाती है? एक्सपायर होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, नंबर वन क्वालिटी की होती है, वो पाकिस्तान और सुबह सिंध में ही रहती है। सुबह सिंध में रहती है। अच्छा अच्छा, तो व्यूअर्स ये बहुत अच्छा मैसेज है अब्दुल शकूर भाई का, ये भी सिर्फ वही बकरी बाहर भिजवाते हैं जो एक्सपायर हो जाती है या जो
काबिल नहीं होती ब्रीड के, या पॉइंट्स में हल्की होती है तो वो यहाँ से बाहर जाती है। लेकिन जो सुप्रीम क्वालिटी की बकरियां हैं जैसे कामोरी, पटेरी और गुलाबी, यही है ना, वो यहीं पर हमारे सुबह सिंध और पाकिस्तान में रहती हैं। और यहाँ इस तरह के शोज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोपहर के 11:30 से 12 का टाइम हो रहा है, लेकिन यहाँ रश इस वजह से है कि ये घोट्स देखना है, ये कोई शो नहीं हो रहा है, या कोई मेला नहीं हो रहा, या कोई म्यूजिकल नाइट वगैरह नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बकरियों का शो है। और ये जितनी भी आवाम आप देख रहे हैं सुबह से, बल्कि रात से है ना ये जी, रात से, रात से शो है, रात से बेचारे बैठे हुए हैं ठंड के अंदर, और सुबह गर्मी भी है इस टाइम, अभी 11:12 का टाइम है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये बकरियां दिख रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बकरी आपको वसीम राजपूत भाई की बकरियों में से एक हमें निकाल के दिखाया, क्योंकि आप बहुत पुराने शौकीन हैं, हमें एक बकरी निकाल दी जो आपको पसंद है। इस बकरी के बारे में बताया, कौन सी बकरियों में से ये कामोरी, कामोरी ये कौन से शुजरे में से? अरबी, अरबी, अरबियों में से। ये आपको क्यों पसंद है शकूर भाई? असल पहले नंबर पे होता है बकरी का मुंडी, मुंडी जो एरिया होता है चेहरा। अच्छा, ये छोटा होना चाहिए, फोरहेड, ये फोरहेड है, ये छोटा होना चाहिए, सिंग इसके ऊपर होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, नजदीक होना। दूसरा नंबर पे नाक, नाक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर पे इसका होता है गल्ली, गल्ली, जालर, जालर, ठीक है। उसके नंबर पे होता है बकरिया खराब, ऐसे एक होता है सीधी डिजाइन की बकरी, दूसरा होता है खराब, सारी बकरी से खड़ा है, अब तक छोटी है मगर सारी बकरी से ये बकरी क्रॉस कर। अच्छा, ये खड़ी जिस तरह हुई है, ऐसे खड़ी होगा, हाँ, कोबरा की तरह, कोबरा की तरह, जो सीधा अच्छी हुए, सीधा होएगा ना बकरी का गर्दन, वो काम की नहीं होगा इधर हमारे काम। अच्छा, अगर जो सीधी खड़ी है तो काम काम की नहीं होगी। ये बड़े वैलिड पॉइंट है, ये आप नोट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये पॉइंट वैल्यूएबल है या नहीं है। अच्छा, यूं होनी चाहिए, यूं होना चाहिए। दूसरा और क्या पॉइंट होने चाहिए कामोरी बकरी? दूसरी बकरी लंबी, लंबा होना चाहिए, लंबी होनी चाहिए, लंबी कलर होना चाहिए, कलर होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? ये कलर जो होता है पहले नंबर पे, ये डॉट काला होना चाहिए, ये वाला डॉट काला होना चाहिए, ये काला होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए। और जो चुपके ना, ये कम होना चाहिए, ये कम होने चाहिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, थोड़े थोड़े होने, हाँ, ये हमारा पाकिस्तान का शौक यही पसंद है। अच्छा, उम्र भी देखी जाती है, ज्यादा बुढ़ी नहीं होनी, नहीं नहीं बुढ़ी नहीं, चेहरा उसका छोटा चेहरा होना चाहिए, उम्र छोटा छोटा चेहरा होना चाहिए। बड़ी बकरी जो आंखों बड़ी होगा, सर बड़ा होगा, वो काम के लिए हमारे, वो काम। अच्छा, आपने वसीम भाई को देख लिया, डिक्लेयर कर दिया, और आज शो में भी जजेस ने डिक्लेयर किया कि वो टॉप ऑफ द लाइन है, पाकिस्तान के नंबर वन शौकीन है, कामोरी को उनको चैंपियन करा दिया। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि और कौन सा शौकीन है पाकिस्तान के अंदर जिसके पास वसीम राजपूत के बाद सेकंड नंबर पे आप उनको क्लास करेंगे कि कामोरी बकरे? आज के टाइम में, आज के 2023 17 तारीख को आज के सामने कोई बंदा ऐसी बकरी नहीं है, फिर आज उसके बाद बन जाए दूसरी बात, बाकी आज की तारीख में कोई ऐसा शौकीन नहीं उसके सामने जाके खड़ा करेंगे। यानी इसके अनमैचेबल है, हाँ, अनमैच, यानी अनडिफिटेबल बकरियां हैं जो वसीम राजपूत की बकरियां हैं, अभी अनडिफिटेबल है, इनका मैच नहीं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आप प्लेस करेंगे, कौन सा शौकीन है जिसकी बकरियां इसके बाद आती है सेकंड नंबर? अभी उसके बाद सिंध में वो बना के आए ना, मैदान में अभी वो नहीं आया है, जो बढ़ेरा इसके मुकाबले बढ़ेरा था वो नहीं आया, गुलाम मोहम्मद वो नहीं आया, वो नहीं आया, ठीक। उसके बाद बढ़ेरा गुलाम मोहम्मद डायरी के बाद थर्ड नंबर पे कौन सा आप समझते हैं जो शौकीन है जिसके बाद अच्छी अभी खड़ा हुआ है माल कामोरी का? उसके बाद सारे दोस्तों के पास थोड़ा थोड़ा बहुत, नहीं फिर भी थर्ड नंबर पे बताएं, जैसे वसीम भाई आए हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे गुलाम मोहम्मद डायरी, थर्ड नंबर आपको डिक्लेयर करना है, क्योंकि आप मुझे पता है कराची से लेके कश्मीर तक की कामोरी बकरियों की भाई एक दो सारे से होता है, पहला नंबर वसीम भाई के, दूसरा नंबर के बढ़ रहा गुलाम साहब के जो नहीं आया था कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तीसरा नंबर दे आप, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर तो हर दोस्तों के पास है, नहीं आप बताएं आपका नंबर वैल्यूएबल रहेगा, तीसरा नंबर आपने अभी बताना है, अभी डिक्लेयर करें, बताएं फोटो चले आपने, अच्छा उसका नाम ले लिया, वरना आपको अभी जाते ही सांकड़ में पकड़ लेता हूँ। तो व्यूअर्स, शौकीन बहुत पुराना है, ये हमारे मीरल बिरहमानी भाई भी है, ये मीरल भाई आप बता रहे थे कि वो लड़की कामोरी क्या कैसे अभी उधर बता रहे थे, कामणी कामणी, वाह वाह वाह, देखिए कामणी कामोरी बकरी को, ये कामणी सोनी होती है ना, कामणी सोनी होती है, उसके उन्हें बोलते हूँ कामोरी सोनी होती है, यानी जो लोग मिसाल देते थे ना कि किसी भी मैं ब्रीडर के पास जाता था, ऐसे ही हमारे एज के ब्रीडर्स होते थे, बोलते थे जो कामो खाती है वो कामोरी होती है, लेकिन आज मीरल बिरहमानी भाई ने नया फतवा दिया है, क्या क्या होता है कामणी,
कामड़ी जो सोनी होती है औरत। कामड़ी किसको बोलते हैं? औरत औरत को बोले कामड़ी जो सोनी औरत होती है, यानी जो खूबसूरत औरत होती है उससे नाम निकला है कामड़ी। उससे नाम रखा है कामड़ी। अच्छा ये हिस्ट्री कितनी पुरानी है, ये जो आपने अभी नया बतवा दिया कितना पुराना है? मैं आपको बच्चों से इतने जमार से 50 साल मैंने ये बकरी 50 साल से ये बकरियां पाल रहे हैं और इन्होंने नया फतवा दिया कि जो कामड़ी होती है ना, जो खूबसूरत औरत होती है उससे नाम निकला है कामोरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो नरेजो गुड फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। वसीम साहब को बहुत मुबारक हो। वसीम राजपूत भाई को बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि इतने बंदों ने बोल दिया सिम पहलाना पड़ा। सिम नहीं, पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान में सिम के अलावा बकरी है नहीं ना, कामोरी है ही सिंध। हाँ, और पूरी दुनिया में भी पूरी दुनिया में आवा सिम पहलाना पड़ा। तो वसीम राजपूत भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बाकी बहुत मुबारक बहुत बाकी दोस्तों ने भी मुबारकबाद दी है। तो आप डिजर्व भी करते हैं नंबर वन पोजीशन आपको जो मिली है यहाँ मातली शो में, और उम्मीद करते हैं इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। बाकी भी इधर ले आए थे गुलाम के मुकाबले से सही, लेकिन वो नहीं आया था आगे मेले से भाग जाएगा। तो मेले में ये आई नहीं था, 10 फोन किए तो अब 10 फोन किए वो नहीं आए, वो डिक्लेयर विनर कर दिया वसीम राजपूत भाई को। बहुत बहुत मुबारक हो उनको। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, अगली बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स जो पोजीशन आई है यहाँ पर मातली के कंपटीशन में वो यहाँ है अल्लड़ इंगोरो जो भाई हैं जो कि पटेरी में टॉप ऑफ द सिंध आए हैं। अल्लड़ भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कामोरी में जो टॉप पोजीशन हासिल की है ये गुल उन्नड़ भाई हैं, इन्होंने पोजीशन हासिल की है टॉप ऑफ द सिंध है। और टॉप ऑफ द सिंध जो बरी बकरियां हैं उसमें इन्होंने पोजीशन हासिल की है गुलाम रसूल सरदारी भाई ने। तो इन तीनों भाइयों को पटका पहनाया है, बोस्की पटका है। ये सूबा सिंध का एक कल्चर है, एक शान है हमारे सूबा सिंध पाकिस्तान की। तो इनको फख्र है हमारे सिंध के तीनों भाई, ये बरी में, ये कामोरियों के अंदर और ये पटेरियों के अंदर। और बाकी जितने भी मेहमान आए हैं जो ब्रीडर्स आए हैं उनको ये अजरक पहनाया जाएगा। ये हमारे खिपरे दीनपुर के भाई आए हैं कुछ, ये गुलाम सरवर दर्स और लाला शाह सिंध लेवल की नुमाइश लगाते हैं दीनपुर दीनपुर में। और पिछले कुछ 3-4 साल से होती भी आ रही इनकी नुमाइश और बहुत अच्छे लेवल की नुमाइश होती है। तो ये भी हमारे फखर है माशाल्लाह से, इन भाइयों को भी आप देखें, ये दीनपुर के और खिपरो साइड के। और ये भी मुबारकबाद दे रहे हैं वसीम राजपूत भाई के जो कि फ्रांस में जिन्होंने आज कॉम्पिटिशन।